शारजा में फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की बालकनियों में सामान रखने और कपड़े लटकाने पर 500 दरहम का जुर्माना आयद करना पड़ेगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक शारजा म्यूनसिपालिटी ने खबरदार किया कि अपनी रिहाइश गाहों की बालकनियों को स्टोर रूम बनाने और कपड़े लटकाने वालों को जुर्माना किया जाएगा। शारजा म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर जनरल साबित अल तरीफी ने बताया कि बालकनियों में सामान जमा करना एक गैर महजब हरकत है जिससे इलाके की खूबसूरती मुतासर होती है। इसी वजह से इस नौयत की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। ताहम क्रैकडाउन से कबल एक आगाही मुहिम चलाई जा रही जिसमें किताबचों, ब्रोशर्स और पैम्फलेट्स के जरिए लोगों में ये शोर उजागर किया जा रहा कि बालकनियों में सामान रखना एक गैर मुनासिब हरकत है जिस पर कानून हरकत में आएगा। अक्सर अफराद बालकनियों में कपड़े लटकाते हैं, फालतू सामान रख देते हैं, बेकार फर्नीचर सजा देते हैं या सेटेलाइट डिश नस्ब कर देते हैं जो कि कानून की रो से गलत अमल है और इस पर 500 दरहम का जुर्माना आयद किया जाता है। म्यूनसिपालिटी की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी लोगों को ताकीद की जा रही कि वो इस तरह के अमल से खुद को दूर रखें ताकि शहर की खूबसूरती मुतासर ना हो। म्यूनसिपालिटी की जानिब से जल्द ही रिहायशी इलाकों के तमाम बिल्डिंग्स की निगरानी शुरू कर दी जाएगी।